Hi everyone, hope you all are doing good. Welcome and welcome back to our channel Sistro Reaction. It's me Alizeh here. Hi everyone, hope you all are doing great. It's me Nayab here. And आज की वीडियो के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं क्योंकि मुझे बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा इसकी फरमाइश आई थी कि मुनव्वर जी की स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर आप जो है रिएक्ट करें और उसमें जो उनकी कॉमेडी है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो उसके ऊपर जो इन्होंने किया था इसके 2 पार्ट्स आए हैं और अभी मैं हम एक पार्ट के ऊपर करेंगे एंड अगर आपको बहुत पसंद आई तो हम इंशाल्लाह पार्ट 2 भी लेके आएंगे बहुत जल्द। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। यस, और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाए जाके फटाफट से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को देखें और लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तू कमल का फूल तू खिलता जरूर पर कीचड़ में दबा तू चढ़ तक कब तक करेगा तू कर्तव्य किसी। Yeah, so I tell you about myself first. My name is Munawar Faruqui. I was born and brought up in Gujarat. Survived in Gujarat. You know Gujarat. Gujarat is famous for its festivals. We have Navratri, we have Uttarayan, we have riots. Yeah, but I love Gujarat. Yeah. I was there in 2002. आप लोगों को नाइटमेयर आता है? मैम आपको नाइटमेयर आता है? लाइक कैसा आता है? लाइक कोई आपका पीछा कर रहा है, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइटमेयर आता है, आप डर के उठ जाते हो। मेरा नाइटमेयर है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये होता है। एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी हैं बचपन की, नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 years old। मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग 4 शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी 100 रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। आई वाज लाइक आई एम बेटर। नाउ यू थिंकिंग कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। या yeah, मुझे नॉलेज कम है, मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं नहीं नॉलेज, और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो मुझे एक कमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादर चोत। उसने पहले हाय क्यों बोला, ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का, क्या मस्त आदमी है बट लंड है। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया, इज लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो, अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। हैव यू गाइज नोटिस इन इंडिया द मोस्ट ऑफ मेडिकल स्टोर गिव सैनिटरी पैड रैप्ड इन अ न्यूज़पेपर? या दैट मेक सेंस, बिकॉज दैट्स व्हाट न्यूज़पेपर डू इन इंडिया, हाइडिंग रियलिटी। आप लोगों के साथ बचपन में कभी हुआ है कि हमारे घर के बड़े हमें मना करते हैं कि इसके साथ मत खेलना, ये बच्चे से दूर रहना? हुआ है, मेरे साथ बहुत हुआ, बिकॉज वो बच्चा मैं था। लाइक आई वाज एन एसहोल, बट घर वालों को नहीं पता, घर वालों खुद को राष्ट्रीय प्रोडक्शन समझते थे, उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया है। लाइक फर्स्ट है फारूकी नहीं, फर्स्ट है फैंटम प्रोडक्शन है। और इसका रीज़न था घर वालों की नज़र में सबका काम करना, सबकी बात मानना लाइक अ राम, और घर के बाहर किसी को भी मार देना, कूट देना, दादागिरी करना लाइक अ नहीं बजरंग दल। लाइक जान से नहीं मारता था, लाइक कूट देता था, कोई भी लड़ने आ जाता घर पे, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं आया। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गा के सुना। मैं भीगे उठ तेरे गा के सुना था। चाची आती थी गॉसिप करने, मूड बना के जाती थी. एंड इमरान हाशमी मूवीज और पॉर्न मूवीज फॉर अस, यू गाइज अग्री? वो टाइम में बिकॉज उस वक्त क्राइम पेट्रोल नहीं था. एंड आप लोग सोशल मीडिया सब लोग यूज़ करते थे यार, लाइक इंस्टाग्राम सब लोग यूज़ करते. और लड़के क्रिएटिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, लड़कियाँ काफ़ी क्रिएटिव है. हाँ, लड़के फोटो डालते हैं, उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं मैकडोनल्ड. क्या तू हगने गया था डिलीवरी खाने? क्या लड़कियाँ काफ़ी क्रिएटिव है. मेरी काजिन है, मेरी काजिन घर पे, उसका प्राइम काम है पानी की बोतलें भरने का. उसके कैप्शन पता है कैसे रहते हैं? आई जस्ट लव द साउंड ऑफ पाउंडिंग वाटर वेदर इज अ वेव्स और वाटरफॉल. मेरी पुप्पी बोलती है ना, आग लगे तुम्हारे फोन को, लगते यू जस्ट लीट माई सोल, आई विल सेट इट ऑन फायर, हैशटैग आउट ऑफ योर लीग. एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है, आंटी बोले नीचे रख दे, वो रिमोट है. कैप्शन डाल इनोसेंट एज फक. आप लोगों को पता है ये सब यूज़ करते हैं, टायर्ड एज फक, हंग्री एज फक. लाइक मुझे समझ में नहीं आता, लाइक ऐसी लगो अंग्रेज लोग लगा सकते हैं बिकॉज उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए. हमारे पास है. लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल, बड़ी यू लुक क्यूट, ठीक है, ओ अग्री. हाइपोथेटिकली See, you look cute, okay? तू अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौदह ऐसा चंचल. If you are hungry, you'll write भूखा चौदह. That's wrong. Which is my favorite, you know? Single as fuck. Which is fucking not possible. मैं कामसूत्र का बुक खोल के कंफ्यूज हूँ, अकेला चौदह वाला पोजीशन कौन सा है? गुलजार लिखा है क्या ये कामसूत्र? ये सब होता है. और मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, मोटिवेशन कोट्स. मैंने एक मोटिवेशन कोट्स पढ़ा, उस पर लिखा होता डोंट जस्ट ड्रीम, वॉक फॉर इट. और पीछे एक अंग्रेज बंदा है, सिगार हाथ में, दो लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है. बस लाइक तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, तू मुझे डिप्रेस कर रहा है. तूने दो लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी? सेम कलर की. मैं इंडियन हूँ, मेरे घर में टूथब्रश नहीं है सेम कलर के. एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीद ली लैम्बोर्गिनी, ठीक है, तो उसके दरवाजा ऐसे खुलते और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते. एंड यू कांट मोटिवेट अ इंडियन विद अ लैम्बोर्गिनी. हमारे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का गुरु रंधा हुआ ये इस्तेमाल करता है, खिड़की से बाहर निकलता है, पता करो कीड़े पिंड दिया मोलेस्टर, और लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम, सपने की बात मुझसे कर रहा है. मैं डोंगरी पे रहता हूँ, हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते, एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते, इतना पास सोते हम लोग. एक बार मैं अपने भाई के सपने में, इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, आज लाइक भाई मैं पॉर्न देख रहा था, इस लाइक जाके डैडी के पास सो. मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना, मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना है. एंड मुझे लगता है हम लोग इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते, साइन बोर्ड को. लाइक आई टेल यू, मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है. लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं थी. सी आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ ओल्ड एज पीपल और पारसी लोग, ठीक है, बट बुड्ढे थोड़े तो अनोइंग होते हैं या लाइक सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही जो जिंदा है. तो वो बोर्ड लगा, उसमें शॉप बंद थी, ठीक है, तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है, क्यों बंद है, क्यों बंद है. तो वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लिया, बोर्ड पे लिखा दुकान 10 दिन के लिए बंद है, आजू बाजू ना पूछे. अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछे 10 दिन के लिए क्यों बंद है. नेक्स्ट डे आके बोल रहे भैया सुनो ना, उस पर 9 करो ना. एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो, मीनिंग चेंज हो जाता है. मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा, वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर विमेन सेफ्टी. आई वाज लाइक नाइस, दिस इज गुड. बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली, आज लाइक नहीं. अगर दिल्ली जाग रहा है तो विमेन सेफ नहीं है. women safe नहीं है दिल्ली में. मैंने न्यूज़ में पढ़ा a 32-year-old Delhi guy killed his wife with the help of his girlfriend. That's terrible, right? That's heartbreaking. कि दिल्ली वाले के पास 2-2 बंदियाँ हैं. Heartbreaking for you guys. मेरे में 4 allowed है. And मैंने एक साइन बोर्ड देखा लोअर परेल में, उस पर लिखा हुआ है अवॉइड मिसयूजिंग ऑफ वाटर. मिसयूज क्या होता है? वेस्ट होता है ना. मिसयूज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से. उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी. गवर्नमेंट इज लाइक तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहाँ पे पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया? वाटर कैनन लेके उनके मुँह पे पानी मारा. सरप्राइज मदरफकर. किसानों को पता नहीं इससे भागना था. दे पानी. कुछ किसान पीछे नाच रहे गाना ना गाना ना गाना. एंड फिर उन लोग बोले सर आपने टीयर गैस मारने बोला था. तो मारो ना सर, पहले से ही रो रहे. ये सब चल रहा है. और मिस यूज ऑफ वाटर क्या होता है? मिस यूज वेस्ट होता है. पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था. एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता. आई एम अंडर ट्रेनिंग. See this, like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir bana, right? Agree. Uneducated Muslim don't know bomb kaise bana. Because it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical fillers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. I still don't know how to make it, okay? Told you na, under training. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book, उसके कुछ दिन के बाद वो book मेरे dad को मिला. And now I don't know how to explain this shit, because उसपे subject में मैंने लिखा था how to make bomb. Dad ने call करके घर पे बोला मेरा गांड फट गया. Like जैसे ही मैं घर पे गया बहुत गुस्से में था. उन्होंने book मेरे मुंह पे फेंक के मारा. It's like कौन सिखा रहा है बकवास तुझे? इसमें मेन आइटम मिसिंग है. That main item was political support. अमेजिंग कॉमेडी और बहुत ज़बरदस्त की है. मैं मज़ीद देखना चाहूँगी इसके. बहुत रिफ्रेशिंग वीडियो थी. इस वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल थी, बहुत मज़े की थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें मुझे अच्छी लगी, स्पेशली वो बॉम्ब वाली. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. मेरे में 4 अलाउड है. मुझे बेनिफिट है भाई, हमारे में 4 अलाउड है. यस, मज़े की थी. ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी. करते करते बहुत मज़ा आ रहा था मुझे. देखते देखते इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता. एक चीज़ ख़त्म हो गया, दूसरी शुरू और दूसरी ख़त्म, तीसरी शुरू. एंड अमेजिंग. और ये स्टैंड अप कॉमेडी पे हमारा पहला रिएक्टर. मुझे तो बहुत मज़ा आया कि आई विश कि हम इस पर और सीरीज़ पूरी लेके आएँ. इसलिए ज़रूर रिकमेंड करिएगा. आपके अभी तो ये मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है. इसके अलावा कौन कौन से कॉमेडियन है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. प्रेस द बेल आइकॉन, उससे आने वाला हर नई नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा. यस, और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन जाएँ, जाके फटाफट से फॉलो करें. और ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट बताइएगा फर्दर. आई रियली वांट कि हम इस पर रिएक्ट करें स्टैंड अप कॉमेडी पे. और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. तब तक अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल. बाय.